भाजपा पार्टी के द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी में कोरोना वॉरियर बने हुए कर्मियों को सम्मानित करने के आह्वान पर हमीरपुर में प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने डुग्गा स्थित कोविड केयर सेंटर में कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर व उनकी टीम को सम्मानित किया। नवीन शर्मा ने कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों को फूल और स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने कहा कि भाजपा के आह्वान पर कोरोना बीमारी में फ्रंटलाइन में काम कर रहे लोगों को सम्मानित करने के चलते ही आज कोविड केयर सेंटर में कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के द्वारा कोविड से लड़ने के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। नवीन शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसकी बदौलत ही कोरोना से लड़ने के लिए अच्छी स्थिति में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और इस समय में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो एक फ्रंट लाइन योद्धा के तौर पर जो है वो इस बीमारी से जो है वो लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने भी, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया है कि वो अपने अपने स्थान पर जाकर ऐसे फ्रंट लाइन योद्धाओं का सम्मान करें। तो उसी कड़ी में आज हमने जो है वो डुग्गा में जो कोविड का जो आइसोलेशन सेंटर बना है, आइसोलेशन हॉस्पिटल बना है, उसमें जाकर जो है वो हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो वहाँ के जितने भी हमारे डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ के बाकी सदस्य थे, उनको जो है वो एक स्मृति चिन्ह देकर और एक प्रशस्ति पत्र देकर जो है उनका सम्मान किया है और उनका जो है वो उत्साहवर्धन का काम किया है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज केंद्र की हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो इस कोविड 19 के खिलाफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो काम जो है वो केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर जो है वो उनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जिसके कारण जो है वो आज हिमाचल प्रदेश में जो है वो हम बहुत अच्छी स्थिति में जो है कोविड 19 से लड़ने की स्थिति में हैं, और केंद्र के अंदर जो है वो मोदी जी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है।